17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या बनाना है इसमें, एक लेजर बनाना है, एडजस्टेड पीएनएल और सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिस पे एडजस्टमेंट है यानी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पे क्या है एडजस्टमेंट है तो उसका क्या करें अपन ने अकाउंट बनाया, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको क्या करेंगे डायरेक्टली शिफ्टिंग। फर्स्ट क्या दिया, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग कितना है 15/17 एडजस्टमेंट है क्या नहीं, क्या है ये मतलब परचेस सीधा एप्लीकेशन। शुरुआत करा मैंने लेजर की तो दो दो तीन तीन भी पूछेंगे ना, चार एडजस्टमेंट रहेंगे कम से कम, चार से पांच एडजस्टमेंट रहना ही रहना है। हाँ, चार से पांच अकाउंट बनाना पड़ेंगे ठीक है। अभी तो ये शुरुआत करे तो मैं एक एक लेजर कवर कर रहा है अलग अलग सिचुएशन पे, समझ रहे हो, तो ये चार लेजर जो रहेंगे एक साथ रहेंगे, तो अपन शुरुआत जो कर रहे हैं अलग अलग लेजर की वैरायटी बता रहा ठीक है। बिल्डिंग 15/17 परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना 2000। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी एडजस्टमेंट है नहीं, क्या है मतलब सेल का परचेज, कम हुआ क्या बड़ा, पहले यही डिसाइड करना है कम हुआ क्या बड़ा, बड़ा तो परचेज, कम हुआ तो सेल। हाँ क्या परचेज, मशीनरी, मशीनरी कितना बेटा 80,000। नेक्स्ट हाँ फर्नीचर भी क्या हुआ बड़ा परचेज ऑफ फर्नीचर, और ये पूरे फॉर्मेट मैंने क्या किया नोट्स में भी अपन ने दिए थेरी के नोट्स में, ये पूरे फॉर्मेट दिया है, इसके अलग अलग फॉर्मेट दिया मैंने। अब कितना 5000 डिफरेंस। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1/93 हो रहा, इशू रिडम्पशन, दिल से नहीं इशू बोले तो इशू नहीं तो रिडम, क्यों हाँ क्या हुआ कम हुआ तो क्या होता रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है तो करके उसका क्या करें अपन ने अकाउंट बनाया, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से क्या होती कम होती, तो इधर प्लस हाँ और इधर माइनस, असेट के टाइम पे इधर प्लस और उधर माइनस, बढ़ेंगी क्रेडिट से कम होंगी डेबिट से। अब प्रोविजन फॉर टैक्स स्टार्ट और लाइबिलिटी स्टार्ट होती क्रेडिट से क्लोज होती डेबिट में, असेट स्टार्ट होती डेबिट से क्लोज होती क्रेडिट में, लेकिन ये अभी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी किससे स्टार्ट होंगी क्रेडिट से, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 10,000, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 7,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व्स, रिजर्व कौन सा आइटम है कैश नॉन कैश, नॉन कैश तो यहाँ आने वाला है नॉन कैश, टू इंक्रीज हो रहा ना इसके साथ वर्ड क्या लिखते इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कितना डिफरेंस 95,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000, टू बैलेंस कैरी डाउन 3000। ये हो गया पूरी बैलेंस शीट की शिफ्टिंग, उसके बाद एडजस्टमेंट। अब क्या दिया एडजस्टमेंट में, प्रोविजन करो बोला इनकम टैक्स से, और प्रोविजन किधर लेते अपन प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड डेबिट साइड, यहाँ डेबिट में आने वाला है मतलब यहाँ कहाँ आने वाला है क्रेडिट में, और क्या नाम आने वाला है हाँ वेरी गुड एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट, ये लेजर में ये लेजर का नाम और ये लेजर में वो लेजर का नाम एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट।
कितने का प्रोविजन बोला? 5000। और एडजस्टमेंट से ले रहे तो डबल इफेक्ट, उधर क्रेडिट में इधर डेबिट में। प्रोविजन फॉर फॉर इनकम टैक्स कितने का प्रोविजन? 5000। हो गया क्वेश्चन, नहीं जरूरत भी नहीं चलता, ठीक है। क्लोज इसको करना है, सबसे पहले इसको क्लोज करना है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे भी जा सकता, यहाँ पे भी जा सकता। 15000 15000 माइनस कर लो कितना? 8000। अब ये अकाउंट में इधर डिफरेंस आया तो प्रोविजन, ये क्या था? ये प्रोविजन था ना, अब डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं, सबके डिफरेंस ऐसा ऊपर लिख दे रहा हूँ। हाँ, डेबिट में डिफरेंस आया तो टैक्स पेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और क्रेडिट में डिफरेंस आया तो क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। किधर डिफरेंस है? डेबिट में, तो क्या बोलेंगे? टैक्स पेड। टैक्स पेड करेंगे तो कैश क्या होगा? जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, और ब्रैकेट में बैलेंस है ना, बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस टैक्स पेड, टैक्स पेड। यहाँ डेबिट में आया तो इधर एप्लीकेशन टैक्स पेड कितना? 8000। हो गया, ये क्लोज कर दी इसको। अब इसको क्लोज करना है, एक लाख 3000, 1,03,000, 1,03,000 माइनस कर लो एक का, 1,02,000। ये इसको प्यार से क्या बोलेंगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस कहाँ जाता? ट्रांसफर, ट्रांसफर टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 1,02,000। ऑटोमेटिक टैली होना, बस जो जो कराते जा रहा ना गारंटी दे रहा कि अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। अगर किसने जैसा मैं कराया वैसा सिस्टमेटिक अगर करा तो किसने 12 मार्क्स तो कैसा भी क्वेश्चन आ लो, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन कर लो आ जाएंगे।